कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, नाम था पैरासाइट। इस मूवी ने ऑस्कर जीता था, तभी से वर्ड बहुत पॉपुलर हो चुका है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, यानी जो इंसान या जो संस्था बिना कुछ काम किए दूसरों पर डिपेंडेंट होकर अपने सर्वाइवल, अपने एग्जिस्टेंस पर काम करती है, उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। फिलहाल बॉलीवुड भी आजकल पैरासाइट बना हुआ है, बिना किसी नए सब्जेक्ट पर मेहनत किए सीक्वल के भरोसे अपनी नैया पाल लगाने की फिराक में लगा हुआ है। यही वजह है कि बैक टू बैक सीक्वल फिल्में अनाउंस हो रही हैं। वैसे हमेशा देखा गया सुपरहिट फिल्मों के सीक्वल को बनाने के लिए सक्सेस एक बहुत ही बड़ा सुपर फार्मूला है। कई बार ये फार्मूला हिट होता है, कई दफा फ्लॉप होता है। अब SRK की पठान ब्लॉकबस्टर हो गई तो सिद्धार्थ आनंद ने पठान का सीक्वल भी अनाउंस कर दिया। बराबर आने वाले टाइम में करीब 1000 करोड़ रुपए दांव पर लगे बॉलीवुड के, जहां पर मैक्सिमम मूवीज सीक्वल्स हैं और बड़े बड़े सुपरस्टार भरोसा कर रहे हैं सीक्वल्स को लेकर, यानी रिस्क लेने के मूड में कोई नहीं है। सीक्वल ट्रेंड को देखते हुए अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम की देसी वॉइस 2 के बनने की खबरें भी आ रही हैं। इसके अलावा हेरा फेरी 4 ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, वेलकम 2 पर बात चल रही है, आवारा पागल दीवाना 2 की बात भी हो रही है, आशिकी 3, टाइगर 3, ब्रह्मास्त्र 3, 2, यारियां 3, ड्रीम गर्ल 3, गदर 2, टाइगर, पठान, भूल भुलैया, बहुत सारी फिल्में जिनके सीक्वल की बात चल रही है। हालांकि आने वाले साल में टाइगर 3 और गदर 2 दो बड़ी फिल्में हैं जो सीक्वल के भरोसे हैं, और कहा जा रहा है दोनों फिल्में चल गई तो इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। हालांकि दोनों ही फिल्मों का बज अपना अलग अलग है और दोनों की ऑडियंस है, प्लस बॉक्स ऑफिस पर कोई क्लैश नहीं है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन डिफरेंट तरीके से काम करेगा। हाँ, इतना है सीक्वल के बार बार आने से पब्लिक का भरोसा थोड़ा कंटेंट को लेकर उड़ जाता है, बिकॉज सीक्वल थोड़ा ब्रांडिंग के तौर पर तो फायदेमंद होती है। लोगों को लगता है कि सीक्वल आएगी तो उसके पुराने चहेते ब्रांड किरदार फिर से बड़े पर्दे पर आएंगे, लेकिन पब्लिक को नया कुछ मिलता नहीं है। जितने भी रिव्यूअर हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में सीक्वल के भरोसे चल तो जाती हैं, लेकिन ओरिजिनल अवार्ड कैटेगरी में ऑस्कर तक नहीं जा पाती। यही वजह कि साउथ की RRR ने ऑस्कर में कई अवार्ड जीते हैं, प्लस पीपल चॉइस क्रिटिक्स चॉइस में भी अवार्ड जीते हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में यहीं दम तोड़ देती हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं की रीमेक या फिर डब या फिर सीक्वल होती हैं। अगर वो किसी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर काम करें तो हो सकता है बाहर में जाकर उनको भी सम्मान मिले, लेकिन बॉलीवुड सिर्फ पैसा कमाने पर भरोसा करता है। यहाँ पर मुंबई इंडस्ट्री पूरी कॉरपोरेट रूल पर चलती है, जहाँ पर कमाई ही अकेला उद्देश्य है, और फिल्म मेकिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री साबित हो चुकी है। साउथ वाले भी अपनी फिल्मों से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके कमाने के साथ साथ क्रिटिकल अक्लेम्ड भी चाहिए, अवार्ड भी चाहिए, और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर मेहनत भी करते हैं, फिर चाहे वो बाहुबली हो, RRR हो, KGF हो या पुष्पा। लेकिन बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर दृश्यम 2 आती है, भूल भुलैया 2 आती है, और भी जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं मोस्टली रीमेक हैं या फिर कहीं ना कहीं फिल्मों के सीक्वल के साथ अनाउंस की गई हैं। तो आने वाला साल तो सीक्वल्स के नाम रहने वाला है, लेकिन उम्मीद करते हैं उसके बाद जो फिल्में बनेंगी वहाँ ओरिजिनल का तड़का थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।